हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ फेज डिफरेंस एंड द करिस्पोंडिंग पाथ डिफरेंस फॉर टू लाइट वेव्स इज। सो बच्चों, हम यहाँ पहले पॉइंट समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। सो इसके लिए मान लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें एस कंसीडर करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, और इस तरह से मान लेते हैं हमारे पास दो नैरो स्लिट्स हैं एस वन एंड एस टू, और इनके बीच का स्लिट सेपरेशन है स्मॉल डी। अब बच्चों, स्लिट से, प्लेन ऑफ स्लिट से कैपिटल डी डिस्टेंस पर ड्रॉ कर लेते हैं एक स्क्रीन। सो दिस इज द स्क्रीन। अब बच्चों, यहाँ पर हम मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन को सपोज इस तरह से सोर्स से ज्वाइन कर देते हैं, तो ओ पर हमें मिल जाएगी जीरोथ ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज। ठीक, यहाँ मिल जाएगा ब्राइट बैंड। और स्क्रीन पर एक रैंडम पॉइंट मान लेते हैं पी, तो इस तरह से एस वन एंड एस टू से स्क्रीन पर साइमल्टेनियसली लाइट वेव्स अप्रोच होंगी। तो जब हम इस पॉइंट से एस टू पी पर परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे एंड लेट दिस पॉइंट बी डिनोटेड बाय क्यू, तो हमें एस टू क्यू मिल जाएगा पाथ डिफरेंस, क्योंकि फिगर से हम देख सकते हैं कि एस टू पी की लेंथ एस वन पी लेंथ से ज़्यादा है। तो दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम बोल देंगे पाथ डिफरेंस। अब बच्चों, हम रिप्रेजेंट करते हैं फेस डिफरेंस को, इट मींस दोनों के बीच में कितने फेस का डिफरेंस है, दैट इज इक्वल्स टू टू पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस। तो हमें यहाँ पूछा हुआ है कि रेशियो फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में। सो दिस इज फेस डिफरेंस डिवाइडेड बाय पाथ डिफरेंस, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।